हेलो एवरीवन, आई एम रमन। आज हम इस वीडियो में जो सब प्लांट्स के ऊपर सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सफ़ेद कीड़े यानी कि मिली बग्स, ये कैसे होते हैं ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और दूसरा हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि अफाइड्स क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे बुरादे जैसे से कीड़े होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये क्या है, मिली बग्स हैं, इन्हीं को कहते हैं। और ये धीरे धीरे, इनका साइज़ तो बहुत छोटा है बट धीरे धीरे इनका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। और ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये फ्लावर इसके ऊपर आने थे बट इनकी वजह से क्या हुआ है, ये जो फ्लावर है खिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर को जो भी वो खिलता है या आता है फ्लावर जब बनता है तो उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और ये जो सारा न्यूट्रिशन है, ये जो कीड़े हैं ये सारा उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये लगे हुए हैं, ठीक है ना, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये हैं। आपके प्लांट्स पे जनरली ये मिल जाएंगे। कौन से प्लांट पे मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपका हिबिस्कस होगा, हिबिस्कस के ऊपर तो हमेशा ही मिलेंगे आपको। फिर आपका जो बैंगन का पौधा होता है उसके ऊपर मिल जाएंगे, मिर्ची के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर ये मिलते हैं। अब इनकी वजह से होता क्या है, एक तो फ्लावरिंग नहीं होती प्लांट में, प्लांट की धीरे धीरे हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आप ये देखिए, इस लीफ का स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया है। समटाइम आप देखते हो पत्ता पहले अलग होता है ना, और वो पत्ता पूरा मुरझाया हुआ सा छोटा सा अजीब सा हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इन्हीं की वजह से होता है। ये प्लांट पहले बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, इसके बड़े बड़े लीफ थे, बट अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्या हो गया है, सारे पत्ते इसके छोटे छोटे से और मुरझाए हुए से, अजीब से, ये काने काने से हो गए हैं, है ना। तो ये सब हुआ है इनकी वजह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला प्लांट है मेरा, ये इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अभी ध्यान नहीं है, बट ये इसके पत्ते भी जो थे पहले बहुत अच्छे बड़े बड़े थे, बट अभी आप देख रहे हो इसके लीफ कैसे हो गए। मैं इनके लीफ को उठा के दिखाऊंगा ना, तो ये नीचे फिर से आपको वही चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ठीक है। ये पत्ता देखो पहले कैसा था, काफ़ी बड़ा था। अब इसके नीचे जब हम देखते हैं ना, यहाँ पर बुरा हाल मिलेगा, पूरे पत्ते को ख़राब कर दिया इन्होंने पूरे को, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप देखो नीचे ये लगे हुए हैं ना, ये इन्हीं ने इसका बुरा हाल कर रखा है। अगर हमें, मतलब अगर मैं इसको ठीक नहीं करूँगा ना, अभी इनका ट्रीटमेंट अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये पूरे जो प्लांट है इसको पूरे का जो है ख़राब कर देंगे, इसको नाश मार देंगे इसका भाई। तो इसको हमें ठीक करना होगा, और इसका उपाय क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। अभी तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं ये आपको दिख रहा है, इसके ऊपर पूरे पर लगे हुए हैं। जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, जो भी आपका जो कौन सा जो क्या बोलते हैं उसको, एपिकल एरिया, एपिकल जैसे कि जो टॉप वाला जो हिस्सा होगा, कहीं भी जो होंगे ना, जनरली ये वहाँ मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कच्चा कच्चा जो पार्ट होता है उसके ऊपर ही क्या होता है, ग्रोथ के लिए ज़्यादा, जो प्लांट का ग्रोथ होता है वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है प्लांट के थ्रू, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर ही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वहाँ पर जनरली आपको ज़्यादा मिलेंगे। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, क्या चीज़ होती है कि इनका जो टाइम होता है ना, ये अगर आपके प्लांट में लगे हैं सितंबर के महीने के आसपास, तो कुछ भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर या नवंबर का मंथ आएगा अपने आप ये सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं। सर्दियों में नहीं लगते ये हमेशा लगेंगे कब, गर्मियों के टाइम में लगते हैं। तो गर्मियों के टाइम में ही हमें इनकी केयर करनी पड़ती है, अगर केयर नहीं की तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, इनके ट्रीटमेंट के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई इस पर दवाई छिड़क दो। अगर दवाई छिड़कोगे, कुछ भी करोगे, तो क्या होगा, जैसे आपने दवाई डाली उससे क्या होगा, ये कौन से आते, मैं नाम भूल गया उनका फिलहाल, लिक्विड्स में आती हैं कुछ, आप जाके बोलोगे ना मुझे मिलीबग की दवाई दे दो, फाइट्स, वो कुछ आपको लिक्विड्स देंगे और वो बोलेंगे पानी में मिला के उसको स्प्रे कर देना। तो भाई मेरी तो सलाह ये है कि मत करना इस चीज़ के ऊपर काम, क्योंकि अगर आपने डाला तो पेड़ जल जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ मैं कर चुका हूँ पहले से ही ऑलरेडी करके, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखने के बाद फिर ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस बारी मैंने ये जो प्लांट बना के रखे, आपको हो गया आपके ऊपर कैसे लग गए, तो वो इसलिए लगे हैं भाई क्योंकि मैंने छोड़ा है अभी इनको, मैंने इनको ट्रीट नहीं किया है। अब मैं करूँगा तो फिर से वापस ये हेल्दी हो जाएंगे। तो मुझे वीडियो बनाने थे इसके ऊपर, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि एक बारी बनाऊँगा। मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं कि कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो वहाँ पर मेरे किसी भी चीज़ें बात बनी नहीं है। अब इनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले यूट्यूब पे मैं क्या क्या मैंने देखा था, जो जो मैंने अप्लाई किया वो भी आपको बता दूं, ताकि आप उन चीज़ों को ना करें, उनसे बचें। तो चलिए बात करते हैं मैंने क्या क्या यूट्यूब पे देखा है।
YouTube पे पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि अदरक लो और अदरक को पानी में उबाल लो अच्छे से, फिर उसका ना एक लिक्विड बन जाएगा जिसके अंदर अदरक की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। उसको ना इंसेक्ट्स जो होते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अपने आप उस स्मेल से वो दूर भाग जाएंगे। और अदरक जो होती है इसमें कुछ अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। दूसरा बताया किसी ने कि अदरक अच्छी नहीं है, हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा अच्छी नहीं है, उसने ये कहा कि भाई आप ना लहसुन लेके आओ, अदरक इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, आप लहसुन लेके आओ। लहसुन को क्या करना है, पानी में उबालना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा जो नीम का तेल आता है वो कड़वा होता है, या फिर नीम की पत्तियाँ, ये करो और ये दोनों चीज़ें डाल के पानी में अच्छे से उबाल लो। उबालने के बाद क्या करना है, ये शैम्पू ले आओ, क्लिनिक प्लस ले आओ, भाई हेड एंड शोल्डर ले आओ। हेड एंड शोल्डर ज़्यादा कीटाणुओं को मारता है, इसलिए हेड एंड शोल्डर को एंटी डेंड्रफ शैम्पू है ना, तो वो बताया कि वो डाल दो। वो डाला, वो डाल के क्या करना है, सारा पानी में मिक्स कर लेना है, और क्या करोगे, स्प्रे बोतल से सब चीज़ों के ऊपर वो छिड़क दो, कर दो। मैंने वो कर लिया भाई, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने खुद सोचा कि कीटाणुओं को अगर मारना है तो ये कीटाणु है, मैंने हार्पिक लिया, हार्पिक को घोला पानी में और वो भी छिड़क दिया इनके ऊपर स्प्रे बोतल से, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर किसी से सुना था, कह रहे थे कि हल्दी जो होती है ठीक होती है, यूट्यूब पे देखा था किसी को, हल्दी का जो पाउडर होता है वो हल्का हल्का छिड़क दो उससे ठीक हो जाएगा। अब वो भी करके देखा, उससे भी कुछ नहीं हुआ, छिड़क के देख लिया था फिर कुछ भी नहीं हुआ उससे मतलब। फिर अगला क्या था कि ये इसका ऊपर जो लगने का कारण होता है ना, जहाँ भी आप देखोगे चींटियाँ इसके कारण होती हैं, तो किसी ने कहा कि चींटियाँ नहीं आनी चाहिए और एक बार बस इसको तुम धो देना और उसे सही हो जाएंगे, उसके बाद चींटियों का बचाव के लिए क्या करो, लक्ष्मण रेखा लगा दो गमलों के बाहर पर। मैंने सारे गमलों के साफ़ किया, अच्छे से धोया धाया और करके लक्ष्मण रेखा लगा दी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद में चींटियाँ लक्ष्मण रेखा बुझ गई और उसके अपने आप आगे आ गई। इस तरह से ये हुआ है। ये मेरा दूसरा प्लांट है, ये दूसरी जगह रखा हुआ है, इसके ऊपर भी जब शुरुआत हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे चींटियाँ हैं, है ना, तो इन्होंने ही कर रखा है सारा काम वैसे तो। बट इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो, जो मैंने अभी फाइनल किया है, काफ़ी टाइम मैंने दिया इनके ऊपर और जो अभी जो किया है फाइनल वही सबसे मतलब बेस्ट लगा है मुझे, उसके अलावा कोई मुझे लगा नहीं, सब चीज़ें बकवास हैं। ये एक मेरा दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ भी ये जस्ट शुरुआत ही हुई है, तो इसको मैं अभी फिक्स कर दूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी प्लांट है, बट इस पर अगर मैंने देरी कर दी तो ये ख़राब हो जाएगा। ये अभी जो शुरुआत हुई है, अभी जब ट्रीट करूँगा तो सबको एक साथ ही करूँगा, इसलिए यहाँ पे ये बचा हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे देखे हैं बट किसी का ना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मैंने हर जो चीज़ पॉसिबल थी वो मैंने करके देख ली, वहाँ पर कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं क्या है, बट उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि हम अफाइड्स की बात करेंगे। अफाइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ना बुरादे जैसे से कीड़े होंगे। ये जो बीच में आपको नियॉन कलर का छोटा सा प्लांट दिख रहा है, ये भी हिबिस्कस का ही प्लांट है। ये इसमें आप देख सकते हैं जो फ्लावर साइड में था ये खिला नहीं था, ये खिल नहीं पाया एक्चुअली, ये है क्योंकि यहाँ पे ये छोटे छोटे जो दाने से आपको दिख रहे हैं इसके फ्लावर के बाहर के ऑब्सो आपको दिख रहे होंगे, इनकी वजह से क्या हुआ है ये फ्लावर खिल नहीं पाया, ये इतना ही रह गया। क्योंकि ये भी एक दूसरे प्रकार का कीड़ा जो प्लांट का बहुत बुरी तरह से बेहाल कर देता है उसको, और ये पूरे इसके अंदर फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं इसके अंदर ये। तो इनका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, वो भी सेम ही है जो हम मिलीबग के लिए करेंगे, वही चीज़ इनके लिए करेंगे। ये लास्ट ईयर का है, ऐसा था ये, इतने बड़े बड़े इसके ऊपर फ्लावर आते थे, काफ़ी बड़ा फ्लावर है ये। और ये दो प्लांट्स थे मेरे पास, ये नीचे वाले के अंदर नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर ठीक से खिल रहे हैं। जो आपको इसके साइड में लंबा सा दिख रहा है, इसको बताया था किसी ने कि डाली काट देना, तो डाली काटने वाला ट्रीटमेंट मैंने इसके ऊपर किया था, उसी की वजह से मैंने ये यहाँ पे ये वीडियो ऐड की है ताकि आपको दिखा सकूँ। कुछ लोग बोलते डाली काट दो उसे सोल्यूशन हो जाएगा, पूरे प्लांट को ऐसे कर दो वैसे कर दो, कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो उसके लिए मैंने डाला था। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो है कुछ तो बाहर प्लांट के लग जाते हैं, ये इन्हीं की एक और वेराइटी है फाइट्स की। ये क्या होती है, प्लांट का जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर आपको घुसे हुए मिलेंगे, और सम टाइम लीफ के अंदर बहुत माइनर से उसमें घुस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसके अंदर, ये वही कीड़ा है। इसमें ये वाइट सा आपको छोटा सा फ्लावर के अंदर दिख रहा होगा, ये कीड़ा है, इसके अंदर से ये बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ये लगा हुआ है इसमें। ये वो नहीं है जो आप देखते हो ना गेहूं के उसमें लगता है, ये गेहूं वाला नहीं है, गेहूं वाला अलग होता है जिसमें हम फैल पास करते हैं, वो रेडिश कलर का सा अलग सा होता है, उसका नाम तो भूल गया मैं कुछ था, बट ये वो वाला नहीं है। इसके अंदर से ब्लैक ब्लैक निकलते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको ऐसा लग रहा होगा डार्क अंदर से फ्लावर के अंदर का हिस्सा नहीं दिख रहा, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर पूरे के अंदर ये क्या है, ये फैले हुए हैं। थोड़ा सा तो देखो लाइट मतलब अंधेरा है, बट पूरे के अंदर आप इसको फोड़
प्लांट को मैं ओपन करके दिखाऊं फ्लावर को, तो क्या होगा, पूरे के अंदर यही फैले हुए हैं सारे ब्लैक वाले, और ये फ्लावर का जो है बहुत बुरा हाल कर देते हैं। तो चलो अब इसका जो भी है चीज़ें, आपको मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं कैसी हैं, ये लास्ट ईयर का था, बाकी जो प्लांट्स आपको साइड में दिख रहे हैं ये वही हैं जिनकी अभी मैंने आपको जो क्रीम कलर वाला फ्लावर दिखाया था वो, और जो साइड में था वो वाला, इनकी इस टाइम मैंने कटिंग की हुई थी। जैसे समर सीज़न आते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, तो अब हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, क्या क्या चीज़ें सब बता दी हैं, अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, इनको ना बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, एक दवाई आती है पाउडर फॉर्म में, आप चाहो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो, वो बेस्ट है। वो दवाई आती है पाउडर फॉर्म में आएगी, कोई भी पाउडर ले रहे हैं इंसेक्टीसाइड का, जैसे कि मेरे पास तो क्या चीज़ है भाई, एक मम्मी लेके आई थी बाहर से, और ये हिंडोल का पाउडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर कैसा होता है ये वाला है, ठीक है, ये मेरा ख़त्म हो गया था, बहुत थोड़ा सा था, मैंने ट्राई करके देखा था, ये भी मैंने लास्ट ईयर बस एक बार बना लिया था, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तब उसमें डाल के दिखा दूंगा। तो ये ऐसा पैकेट आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 20 से 25 रुपये का आता है, आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, शाम के टाइम ना प्लांट पे अच्छे, जैसे रात वगैरह छिड़कते हैं कोई पाउडर छिड़कते हैं, नहीं पाउडर फॉर्म में ही आता है, आपको सारे प्लांट्स पे जहाँ भी आपके लगे हुए हैं, ये नहीं कि पत्तों के नीचे वैसे करके करोगे, नहीं नॉर्मली आपको क्या करना है, सबके ऊपर इसको छिड़क देना है, रात के टाइम ही कर लेना, क्योंकि दिन में अगर करोगे ना तो प्लांट आपका बर्न हो जाएगा, लीफ बर्न हो जाएगा, प्लांट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी दवाई हो आपको शाम को टाइम करनी, इसी का ध्यान रखना, अगर ये नहीं लेके आते कुछ और लेके आते हो तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम करना है, अच्छे से प्लांट के ऊपर छिड़क देना, और सुबह क्या करना है आपको प्लांट को अच्छे से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, रिजल्ट्स थोड़े से ज़्यादा बेटर आ जाएंगे, रिपीटेशन जैसे कि क्या होता है नॉर्मल वॉश करोगे उसमें कम होती है, इससे क्या होंगे रिजल्ट थोड़े ज़्यादा रहेंगे और जल्दी से वापस से मिलीबग नहीं आते, ठीक है, आएंगे तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, एक बार आपने छिड़क दी उसके बाद ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, दोबारा वापस आएंगे, बट क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वॉश तो आपको क्या है डेली करना ही है, और यही मेरा ट्रीटमेंट का वो है मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास क्या है पाइप है, इससे मैं प्लांट्स को वॉश करता हूँ, ना कि किसी स्प्रे बोतल वगैरह से, उससे इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, उनसे अच्छे से मैं कर लेता हूँ। तो चलो अब अच्छे से मैं वॉश कर देता हूँ चीज़ों को, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से मैंने सबको वॉश करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबके ना ऊपर वाला जो पार्ट है ना, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो पार्ट है, मैं सब में वहाँ पे ही अच्छे से कर रहा हूँ, और लीफ को उठा उठा के वहाँ से नीचे से वॉश कर रहा हूँ। आपका ना जैसे आप सोच रहे होंगे ट्रीटमेंट में पता नहीं क्या है, ये सिंपल सा यही है, आपको क्या करना है जब भी किसी प्लांट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, उस प्लांट को आपको क्या करना है, मतलब गमले को उठाना है, जो भी नाली वाली जहाँ भी आपकी होती है थोड़ा सा प्लांट से अलग लेके आना, ताकि क्या होगा ये चल के वापस ना जा पाए। ऐसा नहीं चींटियाँ इनको लेके जाती हैं, खुद भी मोटाइल होते हैं, मतलब ये खुद भी चल सकते हैं, ये खुद भी जाते हैं, तो आपको क्या करना है नाली वगैरह के पास लेके जाना है, और वहाँ पे क्या करना है अच्छे से तेज प्रेशर से वॉश कर देना। आप देख रहे हो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लीफ के नीचे लगे हुए थे सारे, सबको मैंने पत्ते उठा उठा के क्या किया सबको अच्छे से धो दिया है। अब एक बारी में ये काम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि आज मैंने धो दिया अभी ठीक हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, मैं 2 दिन का वेट करूंगा, और 2 दिन बाद फिर से क्या करूंगा इन प्लांट्स की वॉशिंग करूंगा इसी प्रकार से, जिसके ऊपर ये कीड़े लगे हुए हैं। एक आधा जिस पे लगा उसके तो मैन्युअली वहीं रखे रखे कर दूंगा, पर बाकी जिसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पे उस प्लांट को जो है मैं उठा के लेके आऊँगा अलग से, और उसको जो है इसी तरह से अच्छे से वॉश कर देंगे सारे के सारे। क्या करने हैं अब, जैसे ये आपने देखा था इसके भी ऊपर जो लगा हुआ था, दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से कि किस तरह से मैंने वो किया है। ये सारे आप देख रहे हो, अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था नहीं था, अब इसके ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा ना ये सारे देख रहे हो ये सब के सब चले जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ये नॉर्मल स्प्रे बोतल के लिए मैंने आपको मना किया, वो क्यों किया है क्योंकि उसमें ना इतना हाई प्रेशर नहीं होता, एक तो उसको हम लोग क्या करेंगे बार बार पंपिंग करनी है उसकी, और उसमें जो पानी निकलेगा वो इतना तेज़ भी नहीं निकलता, और बहुत कम पानी होता है, 1 लीटर की बोतल तो होती है, और वो सारा निकलेगा पूरे गमले में ही फैल जाता है, वहीं पर वो सारा जितना भी होगा वो सारा वहीं के वहीं फैल जाएगा, तो उससे इतना नहीं होता। इसमें क्या होता है पानी बहुत सारा होता है और वो सारा फिर नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये सारे इसके अंदर आके भर गए हैं, है ना। अब नॉर्मली जैसे आप उस बोतल से करोगे तो क्या होगा, उसमें वो 1 लीटर पानी होगा सारा इतना आएगा, फिर उसको कैसे क्या साफ करोगे। इसमें जैसे ये नीचे इकट्ठा हुआ है ना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी एक बार तेज मारूंगा और ये सारी जो है पानी को, या फिर इस पानी को बाहर बहा दूंगा सीधा मैं टेढ़ा करके गमला यहीं पे, तो सारे चले जाएंगे।
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, सभी प्लांट्स को वॉश कर देता हूँ इस तरीके से। और ये आपको करते रहना है, वीकली कर लो, अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते एटलीस्ट एक वीक में आप इस तरह से वॉश कर दो सारे प्लांट्स के हेड्स को, इस तरह से कर दो, आपके प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, आप विश्वास कीजिए मेरा। मैं डिस्कस की कुछ दिन में वीडियो बना के डालूंगा, तो उसमें मैं अपने जितने प्लांट्स हैं पुरानी जो वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं वो, या अभी जैसे कोई भी चेंजेज आते हैं वो सारी वीडियोज़ में डालूंगा। आप खुद देखना कि कितने मेरे प्लांट हेल्दी हैं, सारे सारे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कीड़ा किसी प्रकार का कोई कीड़ा होता है वो तो लगेगा नहीं। अफाइट्स का मैंने आपको बताया था, अफाइट्स को भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये सारे गायब हो जाएंगे इससे। और एक बार ही अच्छे से इसको ट्रीटमेंट कर दिया ना, फिर दोबारा नहीं लगेगा। आप देख रहे हो कितना बुरा हाल है इसका, है ना, देख रहे हैं? अब पानी जैसे डलेगा आप देखना कैसे, ये देखो ये कैसा हो गया अभी। ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाई प्रेशर जब डलेगा तभी ये ठीक होंगे, अदरवाइज किसी और चीज़ से नहीं होंगे। दवाई डालो, दवाई आपको क्या लगेगा, कुछ कीड़े उधर के मर जाएंगे, दवाई हर जगह तो जाएगी नहीं, ठीक है ना, और ये मूव करके दूसरी जगह चले जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होना। आपको 4-5 दिन लगातार ये पानी इस तरह से डालना है, सब प्लांट धो देने हैं, वो पानी भवा के आगे निकाल देना। ये डेली जब करोगे 4-5 दिन शुरुआत में लगातार कर लेना, उसके बाद वीकली कर लेना, करोगे प्लांट का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और विश्वास करो मेरा, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसका, बस थोड़ा सा क्या होता है, दो चीज़ें करनी, एक तो आपको वॉश करना है और किसी स्टैंड पर प्लांट को रख लेना ताकि ज़्यादा चींटी वगैरह या और कोई चीज़ें वहाँ पर ना पाए, पर भाई वो तो आपको करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको यकीन नहीं होता है कि आप दवाइयाँ चाहते हैं, ये दवाई ले आओ वो दवाई, तो भाई दवाई ले आओ, दवाई 300-400 रुपए की दवाई है, लिक्विड वाले कर लोगे तो वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, है ना, उनको खरीदोगे फिर वो प्लांट भी जल जाएगा और टाइम भी ख़राब करोगे, सोल्यूशन तो होना नहीं है, मैं जानता हूँ। यहाँ पे भी आप देख लो, ये सारे कितने सारे थे, ये सीधे सीधे यहाँ पे जम गए। अब मैं क्या करूँ, इस गमले को थोड़ा सा टेढ़ा करूँगा, सारे पानी को बिखरा दूँगा, एक बार फिर से वॉश करूँगा, फिर दोबारा कुछ निकला तो फिर से कर दूँगा, फिर करूँगा नेक्स्ट डे। 4-5 दिन का ये प्रोसेस होता है, ये आपको करना है और यही इसका सोल्यूशन है। ना इसमें कुछ पैसा लगता है ना कुछ और होता है, पैसा बस ये लगता है पाइप लेके आनी पड़ेगी इस तरह से, और ये होगा। और इसमें क्या होगा, आपके सारे प्लांट ही हेल्दी रहते हैं बड़े अच्छे से, ये नहीं कि प्लांट जितने धोगे डस्ट वगैरह निकल जाएगी, सुंदर भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं धोने के बाद। अब ये देखो मैंने पूरा सबको क्या कर दिया, साफ कर दिया, धो दिया है, या आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कैसे कैसे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, सब के सब अभी साफ हो गए अच्छे से, कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। तो आप ये इनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप यही कीजिए, आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। इस बेल के ऊपर भी मेरे वो लगे हुए थे, बट इस बेल को मैंने क्या कर दिया, अभी साफ करके सही रखा हुआ है। नीम के ऊपर नहीं लगते हैं, ये नीम मैंने वैसे आपको बस अच्छा लग रहा था यहाँ पे दिखा दिया है ऐसे वीडियो में, कि अब सफाई होने के बाद कितने लीफ वगैरह कितने अच्छे लगते हैं, चमक सी एक अलग सी आ जाती है। तो एक तो ये कीड़ों वगैरह से बच जाओगे आप, और दूसरा क्या है, आपके प्लांट्स, और दूसरा क्या है, प्लांट नए से हो जाते हैं, उनके अंदर एक अलग सी चमक आ जाती है। आप देख रहे हो कितने अच्छे सब के सब, बहुत अच्छे से, मतलब एक जो ग्रीन कलर है वो सबका कितना अच्छा सा आ रहा है, बढ़िया नए नए से लगते हैं। अब धूल मिट्टी वाले आपको पता गंदे से ही लगते हैं, तो वो भी क्या होगा, सफाई सी भी लगती है और ना कोई इंसेक्ट ना कुछ और बहुत बढ़िया चीज़ें मतलब ये हो जाती हैं। तो आप विश्वास कीजिए मेरा, आपको बस यही करना है चीज़ों में, और यही इनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कुछ और लगे कि क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं, आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं मुझसे पूछो, वो करूँ या नहीं करूँ मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी सब चीज़ों की, कैसे मिली बग को ट्रीट करें, कोई भी चीज़ सफल मेरी नहीं हुई। आप मुझसे पूछो, कमेंट करके बताओ, ये ट्राई करें, मैं आपको बता दूंगा ये मैंने किया था और कैसे किया था और इसको क्या मेरे प्लांट के ऊपर असर हुआ है। बहुत प्लांट मैंने जलाए हैं भाई, मेरे बहुत पैसे खराब हुए हैं, तो आपके पैसे ख़राब ना हो इसलिए मैंने अभी ये वीडियो बनाई। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था बना के बताऊँ सबको, बना के बताऊँ, बट अभी फाइनली थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला है और बनाई है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। ये मेरा एडेनियम है, ये बड़ा अच्छा इस टाइम खिला हुआ है। एडेनियम के ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं, ये कैसे कैसे वीडियो एडेनियम की केयर करनी है, क्या क्या करना है, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं कैसा है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, जो भी देखता है ऐसा लगता है कि ये गुलदस्ता सा यहाँ पर रखा हुआ है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कुछ ख़राब लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।